नमस्कार, वेलकम टू मेरे चैनल ऑटोवेल। माय नेम इज रवनीत एंड आज की वीडियो होने वाली है किया कारंस की सेफ्टी रेटिंग पर। अभी अभी वीडियो ग्लोबल एनकैप की तरफ से डाली गई है जिसमें किया कारंस को 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है अनफॉर्चुनेटली। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल एनकैप है क्या। ग्लोबल एनकैप ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। जब भी कोई न्यू कार लॉन्च होती है ना, उसकी क्रैश टेस्ट किया जाता है कि कितनी सेफ कार है, मतलब फिर आपको उसकी सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। पहले आप वीडियो देख लो क्रैश टेस्ट की, देन मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी जो भी ये किया कारंस की सेफ्टी रेटिंग आई है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों की हमारी कि इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आए, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर 4.5 भी आ जाते ना तब भी ठीक था, तब भी जस्टिफाइड था, बट 3 मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा। आप भी नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो किया सेल्टोस है उसकी जब सेफ्टी रेटिंग चेक करी गई थी ना, उसमें 3 स्टार बेस मॉडल की, बट उसमें ड्यूल एयर बैग्स थे, यानी कि जो उसका टॉप मॉडल है उसमें आपको और भी एडिशनल सेफ्टी फीचर ऐड किए गए हैं जिसमें आपको 4 to 5 उसकी सेफ्टी रेटिंग हो सकती है। बट किया कारंस में जो सेफ्टी फीचर बेस में है वही टॉप में है। मिडल टॉप जो भी फीचर मॉडल्स है ना, सभी में सेम सेफ्टी फीचर है, जो कि कुछ इस तरह है जिसमें आपको 6 एयर बैग्स, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल असिस्ट कंट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड वार्निंग एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। सो इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली इसकी 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई है। देखो, मैं आपको ना इससे ये भी पता चल रहा होगा कि 6 एयर बैग्स या फिर इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने से, नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स होने से सेफ्टी 5 स्टार नहीं आ जाती। बहुत और चीज़ें भी मैटर करती है, जैसे कि उसकी बिल्ट क्वालिटी कैसी। अब देखो, अगर किसी में 6 एयर बैग्स है बट उसकी जो बिल्ट क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, तो इट डजंट मीन कि उसमें आपको 3, 4, 5 भी सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इंटरनेशनल मार्केट में किया की और गाड़ियाँ आती ना, उसकी ऑलमोस्ट जो सेफ्टी रेटिंग है ना वो 5 स्टार दी गई है। बट इंडिया में आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया सेफ्टी से इतने सेफ्टी फीचर होने के बावजूद भी। अब इसकी जो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई है, इट डजंट मीन ये सेफ गाड़ियों में नहीं आती, सेफ नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम इसकी रेटिंग आई है। तो इस बात को लेके काफ़ी निराशा है, क्योंकि सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है, बहुत ज़्यादा। सो जब इतनी एक्सपेक्टेशन अब लगा लेते हो तो उससे नहीं है तो निराशा तो होती है। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन किया कारंस सेफ्टी रेटिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।